हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे परमानेंट प्लांट्स की कटिंग लगाना बताऊंगी जिनको आप एक बार लगा लेंगे तो सालों साल आपके गार्डन से नहीं जाएंगे और वो पौधे कलरफुल होने वाले हैं। तो कौन कौन से ऐसे पौधे हैं दोस्तों जिनकी मैं कटिंग लगाने बताने वाली हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फर्स्ट यहाँ पर दोस्तों हमारा ये अरेलिया का प्लांट है, सॉरी सफ्रेरा का प्लांट है, और ये कटिंग से इजीली लग जाते हैं और ये शेड में चलने वाले पौधे हैं। इसमें इस तरीके से वेरीगेटेड और ग्रीन पत्तियों में भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेरीगेटेड वाले होते हैं। तो आप अगर भी ग्रो करना चाहें तो इस प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में कटिंग से लगा सकते हैं, कम देखभाल में चलने वाले पौधे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों रबड़ प्लांट है, रबड़ प्लांट की वेरीगेटेड वेराइटी है, इन्हें भी आप कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। सेमी शेड में चलने वाले ये पौधे होते हैं इनकी, और दोस्तों मैं बता दूँ पत्तियों से भी उग जाते हैं और ये लकी प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। तो कहीं भी अगर ये पौधा आपको दिखे तो इनके छोटे से स्टैम लेके आप मिट्टी में गाड़ दीजिएगा, फिर आपके पास देखिएगा कितने अच्छे से प्लांट हो जाता है। वैसे शेड में चलने वाले इंडोर प्लांट हैं, बढ़कर मैं बता दूँ एक बार आपके पास आ गया तो ये सालों साल आपके गार्डन से नहीं जाने वाला है, तो इन्हें भी आप ज़रूर ऐड करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों जो प्लांट है हमारा वो है ये रियो का प्लांट है, ये वेरीगेटेड वाले हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। इनका कलर वेरिएशन आप देख सकते हो, पिंक ग्रीन और थोड़ा सा इसमें पर्पल कलर है, जो कि मैंने छोटे से पॉट में लगाया हुआ है। हालांकि इसको मैंने कटिंग से तैयार किया, यहाँ पे एक हैंगिंग बास्केट में है। तो मदर प्लांट जो था दोस्तों वो तो फ़िलहाल ख़त्म हो गया, यहाँ पे मैंने ये कटिंग से सारे पौधे तैयार किए हुए हैं। तो कटिंग इसीलिए मैं तैयार करती हूँ ताकि मदर प्लांट रहे ना रहे, हमारे पास उनकी कटिंग्स सेफ़ रहती है। तो आपको भी इस तरीके से इनको ग्रो कर सकते हैं, लगाना बहुत ही आसान है, छोटे से स्टैम लेके आप मिट्टी में लगा दीजिए, इसलिए ये लग जाते हैं। कम केयर में चलने वाले और छाँव में चलने वाले दोस्तों ये पौधे होते हैं, तो बिना देरी के आप इन्हें भी ज़रूर ग्रो करें। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा दोस्तों प्लांट है वो है हमारा ये एक लफा का प्लांट है, तो इनको भी हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, छाँव में सेडी से में चलने वाले ये पौधे होते हैं, बहुत ही आसानी से इनकी कटिंग लग जाती है, सालों साल आपके गार्डन में बने रहते हैं। इनकी जो लीफ वेरिएशन है दोस्तों देख सकते हो, और इसमें फूल भी आना देखिए शुरू हो गए। सीड का तो नहीं पता सीड इसमें बनते हैं या नहीं बनते हैं, बट अगर बनेंगे तो मैं ज़रूर कलेक्ट करके रखूँगी। लीफ वेरिएशन इसमें पिंक येलो थोड़ा सा है, ग्रीन है, उसमें ग्रीन और येलो वाले भी वेराइटीज़ आती है, बट ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इनको भी हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, इजी टू केयर, इजी टू ग्रो प्लांट है, और देख सकते हैं वेरिएशन बहुत ही प्यारे लगते हैं। अभी ये छोटा सा क्योंकि कटिंग से तैयार हुआ है, और नर्सरी से मैं 30 रुपीज़ का लाई थी, और इनको छाँव में अगर लगाएंगे प्यारे लगते हैं। कलरफुल प्लांट दोस्तों मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि एक ऐसा होता है कि फूल आए ना आए, ये प्लांट की जो पत्तियाँ होती हैं फूलों से कम भी नहीं होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों हमारा है इसको हम दोस्तों सिंगोनियम के नाम से बुलाते हैं, तो ये भी कटिंग से ही लगती है, साइड साइड से नए नए प्लांट निकलते हैं, जैसे हमारा मनी प्लांट होता है सेम उसी तरीके भी होते हैं। वहाँ से छोटी सी देखिए मैंने एक कटिंग लगाई हुई थी, अभी अच्छे से तैयार हो गई है, रूट भी नहीं दिख रही है, बट ये प्रॉपर तैयार हो क्योंकि नई पत्ती आ रही है इसमें, इस तरीके से मैंने कुछ दिन पहले ही लगाया हुआ था। तो इन्हें भी आप दोस्तों लगा सकते हो, इजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत ही आसानी से लग जाता है, और इसमें छोटे छोटे से नींबू के पौधे भी उगे हुए हैं, अगर मैं अलग करके लगाऊँ तो शायद लग भी जाए। तो यहाँ पे क्या कहते हैं सिंगोनियम को भी हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इनमें आपको कलर वैरायटी भी दोस्तों देखने को मिल जाती है, जो कि पिंक और भी वेरीगेटेड वाले आते हैं, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों कटिंग से ग्रो होने वाला बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, ये हमारा टिफिल बैकबोन। इनकी और भी वेराइटीज़ मेरे पास है, 3 वेराइटी मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में मेरे पास है, तो इन्हें आप ज़रूर ग्रो करिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है कटिंग से ढेरों सारे प्लांट्स, और बहुत ही प्यारे लगते हैं। इसमें लीफ वेरिएशन जो देख सकते हैं वाइट ग्रीन है, कभी कभी पिंक भी हो जाता है, बट अभी ग्रीन और वाइट इस तरीके से हैं। तो कहीं भी दिखे दोस्तों तो इनकी कटिंग आप ज़रूर ग्रो करें, वो एक बार आपके गार्डन में आ जाते हैं तो सालों साल आपके साथ बने रहते हैं कटिंग के द्वारा, या फिर रूट प्रोपोगेट हो भी होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कटिंग से ही लगाते, जड़ से भी हम इनको उखाड़ के ग्रो कर सकते हैं बिना देरी के। तो आप इन्हें भी ज़रूर लगाइएगा,
बहुत ही प्यारे खूबसूरत से दिखने वाले अब पौधे होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों मैं दिखा दूँ, ये बहुत ही प्यारे अभी मेरे पास ये स्पाइडर लिली वाले हैं, वेरीगेटेड वाले हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं ये। हालांकि बल्ब से उगते हैं, कटिंग से तो नहीं बट बल्ब से ही लगते हैं। अगर आपको कहीं भी ये वैरायटी दिखे तो अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा। इजी टू केयर, इजी टू ग्रो प्लांट है, रेनी सीजन में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। तो अगर आपको बल्ब कहीं दिखे तो ज़रूर लाइएगा, छोटे छोटे से बल्ब लग जाते हैं। फूल खिले या ना खिले बट इनकी जो पत्तियाँ होती हैं बहुत ही अच्छी लगती हैं, फूलों से कम भी नहीं होती हैं। तो इन्हें भी दोस्तों आप ज़रूर ग्रो करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों हमारा पेंडानस का प्लांट है, तो ये भी कटिंग से उगते हैं साइड साइड से, और न्यू न्यू मतलब बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं, वहाँ से हम तोड़ के नया प्लांट बना सकते हैं। और ये जो स्पाइडर प्लांट्स नहीं होते उन्हीं के तरीके से होते हैं, इनके जो लीफ इरीगेशन देख सकते हो येलो ग्रीन है, बहुत ही प्यारे लगते हैं। अगर आपको ग्रो करना है साइड से, न्यू न्यू जो पौधे निकलते हैं ना वहाँ से लेके हम कहीं भी लगा देंगे तो ईजिली ये लग जाते हैं। तो बिना देरी के आप इन पौधों को भी कटिंग से ग्रो करिएगा। आप चाहे तो हैंगिंग बास्केट में छोटे से पॉट में भी लगा सकते हैं, और इजी टू ग्रो इजी टू केयर प्लांट है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों हमारा है पर्पल हार्ट, तो इनको भी हम इजीली ग्रो कर सकते हैं। शेड में चलने वाले पौधे हैं, कम केयर मांगते हैं, और मैंने तो कई जगहों पर इनको ग्रो किया हुआ है, हैंगिंग बास्केट में भी लगाया, छोटी से बॉटल में भी लगाया हुआ है। तो अगर आप चाहें तो इन्हें अभी ग्रो कर सकते हैं मई के महीने में, और पूरे साल हमेशा मतलब गार्डन में रहते हैं ऐसा नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है दोस्तों ड्रेसिना का प्लांट है, ड्रेसिना भी बहुत अच्छे से हमारे गार्डन में चल रहा है, तो ये भी कम केयर में चलने वाले पौधे हैं। अगर आप उनकी कटिंग ग्रो करना है तभी बेझिझक कर सकते हैं, और अपने गार्डन को कलरफुल भी बना सकते हैं। ड्रेसिना की बहुत सी वेराइटीज़ आती हैं, जिनमें से एक ये भी है, बहुत ही प्यारे लगते हैं दोस्तों। उनकी जो एक्स्ट्रा पत्तियाँ झुलसे हुई होती हैं या मुरझाई हुई होती हैं उनको हटाने से की ग्रोथ और भी दोगुनी तेज़ी से होने लगती है। तो ये वाला फिलहाल मैंने कटिंग से तैयार किया था, अभी भी मेरे पास है गार्डन में, तो मैं इसी वजह से इनकी ढेरों सारी कटिंग फिलहाल लगा कर रखी हूँ। अगर आपको भी लगाना है इस तरीके के पौधे जो कि छाँव में चल सकें तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों ये हमारा रियो का प्लांट है, यानी कि ये जो देसी वाले कॉमन रियो होते हैं वो वाले हैं, छोटे छोटे पत्तियों ड्वार्फ वाले हैं। इनको की भी कटिंग इतनी छोटी सी कटिंग लेके हम लगा सकते हैं, और इनके लिए जो मिट्टी की अगर बात करूँ दोस्तों तो बिल्कुल वेल ड्रेन बनाए, फिर नॉर्मल मिट्टी में भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। कलर देख सकते हैं, फ्रंट पे ग्रीन है, बैक साइड पे पर्पल है। तो रियो की दो या तीन वैरायटी आती है, एक बोट लिली के नाम से होती है, एक जो मैंने रियो शेयर किया था स्टार्टिंग में वो, एक ये वाली। तो तीनों वैरायटी दोस्तों तो बहुत अच्छी लगती है। मैंने यहाँ पे जो सॉयल लिया है बिल्कुल नॉर्मल सॉयल है, गार्डन सॉयल है, और इसी में लगा देना है। ये जो प्लांट होता है दोस्तों बिल्कुल हार्डी प्लांट होते हैं, बस छोटी सी कटिंग आप किसी भी सॉयल में लगा देंगे लग जाती है, बस ओवर वाटरिंग ना होने पाए। और जब कटिंग लगाते हैं तो सीधे धूप में नहीं रखना है, शेड में रखेंगे, वैसे शेड में ही रहेंगे तो बहुत अच्छे से ये चल जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो आप इनकी भी कटिंग ग्रो करिएगा और अपने गार्डन में अच्छे से ऐड करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों कोलियस, कोलियस किसको नहीं पसंद होता है, तो यहाँ पे हमारे पास कोलियस की दो तीन वैरायटी नहीं बोली, मेरे पास छः वैरायटी है, तो छों की वैरायटी हम कटिंग से लगा सकते हैं। और देख सकते हैं आपको पता है कोलियस में मतलब इतने कलरफुल होते हैं कि फूलों की बिल्कुल भी कमी नहीं होती है, छोटे से कटिंग लेके कहीं भी लगा देंगे आखिरकार लग ही जाती है। तो मेरे पास छह वैरायटी है, छों की मैंने कटिंग से ही तैयार किया है। तो एक कटिंग में लगाना बताऊँगी किस तरीके से कौन सी कटिंग लेनी है, और इतनी खूबसूरत लगते हैं। केयर की अगर बात करूँ दोस्तों इनको अगर आप साइड में रखेंगे तो अच्छे से भी गर्मियों में चलेंगे, अगर जरा से भी इनको धूप मिली तो पौधे मर जाएंगे। ये हमारे अगर कोलियस की बात करूँ दोस्तों ये सिर्फ सुबह की धूप मिलती है, बाकी दिन साइड में रहते हैं, इसकी वजह से भी बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं कलरफुल। बारिश में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है बट अभी मैं कोशिश करूँगी इनको बचाने की। तो चलिए कटिंग लगाते हैं, कटिंग लेने के लिए
अभी मैंने सीजन लिया हुआ है, तो कटिंग के लिए आप कोई भी मेच्योर स्टेम ले सकते हैं, छोटी सी स्टेम भी लग जाती है, ऐसा नहीं है। देखिए मैंने यहाँ पे इतनी बड़ी कटिंग ली हुई है, तो इसे हम लगाएंगे वैसे ही मिट्टी में जैसे मैंने हीरियो की कटिंग लगाई हुई है। बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है, कलर देख सकते हैं इसमें पर्पल कलर है और ग्रीन कलर है, तो इन्हें भी इस तरीके से सॉइल में, जो गार्डन की नॉर्मल सॉइल है ना, उसी में लगा रही हूँ। कटिंग लगाने के बाद दोस्तों छांव में रखना ताकि आपका जो प्लांट है ख़राब ना हो। अभी के बता दूँ तो कटिंग ये वाली 100% सक्सेस हो गई है, किसी दिन वीडियो में ज़रूर मैं शेयर करूँगी। देखिए इस तरीके से कटिंग लगा के साइड में रखे हैं, पौधों के बीच में रखिएगा, तो दोस्तों अभी कटिंग 100% लग जाएगी। दोनों के दोनों इजी टू ग्रो, इजी टू केयर प्लांट है, बिना डर के आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं। कहीं भी कटिंग मिले तो ज़रूर लगाइएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों है हमारा जो ये है क्रोटोन, तो इनकी भी कटिंग हम लगा सकते हैं। बहुत ही प्यारे कलरफुल प्लांट्स होते हैं, अच्छे लगते हैं देखने में, तो बिना देरी के आप दोस्तों इन्हें भी ग्रो कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी और हेल्पफुल लगी होगी। इसी तरीके से आप मई के महीने में आप बिना देख रेख के कम केयर में ये पौधे कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो, नए प्लांट, नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी गार्डनिंग।